Hi, this is Manisha Lamba, and subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel right now. ये नेशन की क्रश रह चुकी है, इंक्लूडिंग मी. जब मैंने इनको यहां पे देखा था, मैंने कहा एक बार मिनीषा लांबा मुझे मिल जाए, मैं कुछ बोलूंगा उनसे, और मैं कुछ नहीं बोल पाया. लिसन, यू बीन टोल्ड दिस बिफोर. कितने लोगों ने तुम्हें हर मिनट हर दिन बोला कि यू आर माय क्रश? कितने लोगों ने बोला है? देखिए, हर मिनट और हर दिन किसी ने नहीं बोला है. जैसे कि आपने भी बोला कि मैं थी, लेकिन मुझे पता नहीं था, क्योंकि जब मैं आपसे मिली थी आपने मुझे ऐसे कोई वाइब ही नहीं दिया था. आप बड़े कूल थे. आई रिमेम्बर व्हेन आई फर्स्ट मेट, हाय हाय हाय, माय नेम इज सिद्धार्थ कन्नन एंड दिस इज द शो दैट वी आर गोइंग टू डू, वेरी प्रोफेशनल. तो ये एडमिशन अब आ रहा है, यू नो. तो मुझे लगता है शायद लॉट ऑफ पीपल शायद आर लाइक दैट, यू नो, अपने मन में, यू नो, मे बी लाइक, ओ वाओ, यू नो, मे बी माय क्रश इज समवन फ्रंट ऑफ मी. लेकिन बाहर बहुत कूल, कलेक्टेड, काम, ऐसे होते हैं लोग. बट यू नो व्हाट मिनीषा, आई वांट टू नो, तुमने 2005 में यहाँ किया था, ऑलराइट? तुम्हारा बॉडी ऑफ वर्क इज ग्रेट, बचना है हसीनो, हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, यू नो, यू हैव डन अ लॉट ऑफ फिल्म्स. बट बीच में जेन्युइनली बोला, एंड इट हर्ट्स मी व्हेन आई से दिस, कि मिनीषा गायब क्यों हो गई थी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से? व्हाई? वेल, यू नो, आई थिंक मुझे लगता है एक उस चीज में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. और एक आर्टिस्ट की लाइफ में ना, आप, मैंने रियलाइज किया है, आप रन हॉट करते हो. आप, यू नो, जनरली रन हॉट क्या होता है कि जो आप कर रहे हो वो चीज मतलब चल रही है, राइट? एक वक्त होता है जब आपका रन हॉट होता है. तो आई हैड अ वेरी गुड टाइम, एंड आफ्टर दैट मुझे उस लेवल की फिल्में मिल नहीं रही थी जो मैं सोच रही थी, यू नो, टू मैच अप की टू द वर्क दैट आई हैव ऑलरेडी डन. मुझे उतना मिल नहीं रहा था, एंड दैट इज व्हाई माय वर्क बिकेम लेस, और थोड़ी सी गायब हो गई थी मैं. या तो तुम्हें क्या कहीं लग रहा है कि शायद क्योंकि तुम आउटसाइडर हो, तुम्हारे पास इतने सारे, यू नो, इनसाइडर कॉन्टैक्ट्स नहीं है, इसकी वजह से तुम थोड़ा आउट हो गई थी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से? ऑनेस्टली टेल मी. ओके, आई डोंट थिंक दैट्स द केस एट ऑल, क्योंकि अगर वो केस होता तो फिर मुझे ये सारे फिल्म मिलती ही कैसे, राइट? जो मैंने हनीमून ट्रैवल की है, आई डायरेक्टली गॉट अ कॉल फ्रॉम एक्सेल ऑफिस ओनली कि देखिए हम एक फिल्म कर रहे हैं, वी थिंक विल बी राइट फॉर अ रोल, कम इन एंड मीट अस. सेम थिंग हैपेंड फॉर किडनैप. यहाँ पे भी मैंने एक कमर्शियल किया था सुजीत सरकार के साथ, एंड ही सेड, यू नो व्हाट, आई थिंक यू आर परफेक्ट फॉर माय फिल्म, आपको हिंदी फिल्म करनी. और उस वक्त आई डिडंट हैव एनी आइडिया अबाउट डूइंग फिल्म्स एट ऑल. लाइक ही हैड टू लिटरली कन्विंस मी एंड माय फैमिली फॉर 6 months की, यू नो, ये फिल्म कर लो. बचना है सीनो ऑल्सो वही चीज था. मुझे यशराज के ऑफिस से कॉल आया, बोला कि सर आपसे मिलना चाहेंगे, क्या आप इस दिन पे फ्री हो? मैंने बोला ऑफकोर्स मैं फ्री हूँ, एंड आई वेंट. तो अगर आप नेपोटिज्म की बात करेंगे तो मैंने एक्सपीरियंस देखा, क्योंकि मुझे फिर ये फिल्म्स मिलते ही कैसे फिर, यू नो, द कॉल्स केम डायरेक्टली टू मी. मैंने और जहां पे भी ना मैंने फील्डिंग की है, और यू नो, लोगों को बोला है कि यू नो ये फिल्म है आपकी, मैं करना चाहती हूँ, मुझे काम नहीं मिला है कभी भी. जहां पे मैं, यू नो, वेयर आई वेंट आउट देयर और मैंने बोला यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू लाइक बी प्रोएक्टिव, वहां पे मेरा कुछ काम नहीं हुआ है. यू वर्कड विद अ लॉट ऑफ ए-लिस्टर्स, यू नो, यू गॉट रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार. जब ये सही तरह के किरदार नहीं आ रहे थे, वी ऑल नो यू आर अ डैम गुड एक्ट्रेस, वेरी प्रिटी गर्ल, कभी आपने जब ऑफर्स ड्राई अप हो रहे थे या सही ऑफर्स नहीं आ रहे थे, डिडंट यू फील कि मैं ये सो कॉल्ड पावर्स टू बी को फोन करो, बोलो हे यू नो व्हाट, आई वांट टू वर्क विथ यू? ऐसा किया आपने या नहीं किया? No, I have a problem, you know, calling people up and saying, ki, you know, I want to work and I want to do this, you know, especially people, because I don't like putting people in a position of, you know, them having to say no, you know. To feel like uncomfortable si cheez ho jati hai if you meet them another time, you know, you've called them and said, hey, I would like to really do this film, but then they are making an excuse, you know. To aapke dimag mein bhi wo a ho jata hai, you know, ki it's something that I just have not been able to do. So even now when I told you, you know, ki I decided that, you know, there was a phase that I decided, you know, I will be more proactive and all that. It's not something that comes very naturally to me. A girl who had box office going away, a girl who was known to do great roles,
what went wrong? What you must have analyzed it. You feel that, you know, people apne hi logo ke saath kaam kar rahe the. What went wrong? From the heart, that's all. I have stopped analyzing it. Honestly, I have stopped analyzing it because there is no solution for it currently. You know, what has happened, and it's not only something that has happened to me. It is something that, you know, a lot of people in a sentiment-based industry, I would call this a sentiment-based industry. A lot of people have also been in a very similar position because, you know, the few people who occupy the top spot and who have done so for so long, you know, it's commendable because it's extremely difficult. And that just goes to show that, it is a very, 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 very difficult industry to be in. Minisha, kya ye industry ne? We all go through moments of crackdown. Kabhi hua tumhare saath? Ja, aap mentally bogged down ho gayi thi? Kare yaar, mujhe samajh nahi aa raha. It's so tough to handle. Ye aapke saath hua? So that people watching can get inspired. If you got bogged down, and how did you handle it? When you see ki for a long time things are not going your way, you do you know, self-doubt comes in a lot. Self-doubt, aap apne aap mein aapki belief kam ho jati hai. That is why this is the industry, you know, when people ask me ki, what is the formula, how you do it? I said, there is no formula. There is absolutely no formula out here because I was just another girl that came out here with no contacts, with nothing. I came here with nothing. I was staying Jamaica IT. I couldn't afford anything. I was staying in a PG. 5,000 rupees ek mahine ka. And us waqt that PG lady accused me of stealing. Ki aapne mere cupboard se paise chori kiya. Maine bola maine paise chori nahi kiye. To maine us PG, maine 2 din mein chhod diya tha. Kyunki it was a question about izzat, right? And paise nahi the, I couldn't afford anything. So maine ek 7,000 ek mahine ke bhaade mein maine ek flat liya tha, jo ek bade kamre jaisa tha. The whole flat was like a big room. Okay, it was so small, but I couldn't afford anything more. And us waqt ego and pride ki baat thi ki, you know, they've accused me of stealing. I'm not staying in this house anymore. Main nikal rahi hu. Of course, the lady found the money in the cupboard after some time only. Bichar pyo paise ghuse hue the andar, and she felt really bad about it. But the point being that is I came not knowing anything, not knowing how to, you know, run a house on my own. Maine kabhi ye sab cheeze kiye nahi the. But maine socha ki, achha, maine meri first film ki hai. Ab ye karenge for the next few years. और जब लोग मुझे पूछते हैं कि मुझे एक्टिंग करनी है, मैंने पहले ये चीज बोलती हूँ कि ज्यादा तो ज्यादा जब लोग आते हैं ना, वो अपने अर्ली 20s में आते हैं, शायद बोलते हैं कि कॉलेज भी नहीं करना है, यू नो, जाके एक्टिंग कर लेते हैं, करेक्ट, वो अपने जवानी में आ जाते हैं. आई से यू हैव टू थिंक ऑफ वन थिंग. आर यू ओके विथ योर प्राइम ईयर्स? Are you okay to sacrifice the prime years of your life? Because what if you won't get work for 10 years? What if you don't reach where you are in 10 years? You've sacrificed the prime years of your life doing this with no certainty. So I give people reality checks when they say that, oh, you know, how did you do it? And it's so easy. We just moved to Bombay. I said, no, this is a reality check. And I've been through years also where I have not had work. Where I have struggled, and people say, oh, aapko to ye milna chahiye, aapko to wo milna chahiye, aapne ye kiya, wo kiya. I say, no. And then I realized, you can't live on the laurels of just one Friday that has gone by. Talking about judgments from others, jaise koi producer hua, director hua, were you rejected in some films, you're thrown out of some films, or you got a film and you were rejected and they gave you some reason, jo aap shock mein thi, aap boli, yaar, ye kaun sa reason hai? कुछ हुआ था ऐसे? You don't get reasons. It's happened where I've been casting films and then I've not got a call back. Ki, you know, I've been told that shooting is starting on this day, but costume department is not calling me. You know, I'm not getting a call from costume department because they've got to come and take my measurements and do my clothes and we've got to do that. You know, I'm not getting a call from the AD who is saying, okay, fine, another draft of the script is ready. You know, I'm not getting a call from my makeup people are not getting a call, you know, to discuss the look and all of that, you know, and we were supposed to start shooting in 20 days. And no one calls you and tells you,
most people, when they reject you, when you they don't call and tell you, you just like hear through someone else. अरे लेकिन हमें तो पता है कि वो तो उसको फिर कास्ट कर दिया, अभी कल ही साइन हुई है. मैं बोला व्हाट, आई एम डूइंग दैट प्रोजेक्ट. क्या बात कर रही है, कल ही तो साइन हुई है, वो मेरे सामने मिला है, मैं उनके मैनेजर को जानता हूँ, मैनेजर ने बोला मुझे, उनके मैनेजर ने. तो आपको ऐसी खबरें आती है. यस आई हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ फिल्म्स, थ्रोन आउट इन द सेंस दैट आई हैव बीन कंफर्म्ड एंड मे बी ओके इफ दे समवन एल्स कंफर्म टू देम लेटर हु दे थॉट वाज अ बेटर फिट फॉर द प्रोजेक्ट फॉर व्हाटएवर रीजंस, बट दिस इज हाउ इट हैज हैपेंड. एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम अदर पीपल, इट्स हैपेंड टू मी क्वाइट अ फ्यू टाइम्स एक्चुअली. That was also in the bad phase where I was going through. You know, you're getting confirmed for films and then suddenly you're not doing them. That was also a very terrible phase I was going through. I never called them and asked them why. What is the point? What did you go through jab aapko pata bhi nahi tha ki aap film se kyun nikali gayi thi? What did you go through? Confusion. Extreme confusion. Extreme self-doubt, and hurt, and I had too much of a pride to then, you know, too much pride to then call the person and ask them why. I'm like, okay, fine. Like, aapne mujhe, you know, bola bhi nahi why. You know, I got to hear from someone else ki, and it's kind of embarrassing, you know, because you met the team. और फिर योर मैसेजिंग द एडी की एंड देन योर मैसेजिंग द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉस्ट्यूम और उनसे रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, यू नो कि कब मिल रहे हैं, कॉस्ट्यूम डे करना है, हम सब मिले हैं, वी गॉट एक्सचेंज नंबर्स, और उनसे रिप्लाई ही नहीं आ रहे हैं. यू नो दैट्स व्हेन यू रियलाइज ओके समथिंग इज ऑफ आउट हियर. यू गेट वार्निंग साइंस फॉर इट, इट डजंट हैपन लाइक ओवरनाइट.